हेलो, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। अनुपम खेर हर फन मौला है, अलग अलग रोल्स करने के लिए जाना जाता है उन्हें, और जो भी किरदार वो निभाते हैं उसका नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। शायद इसी वजह से वो बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स को ट्रेन भी कर चुके हैं। बड़े स्टार्स इन कोट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिनकी बात हम आपको अभी बताने वाले हैं इस वीडियो में, वो इस वक्त बॉलीवुड की नंबर वन एक्ट्रेस है, यानी दीपिका पादुकोण। जी, हम में से काफ़ी सारे लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि फिल्म ओम शांति ओम से बॉलीवुड में एंट्री मारने वाली दीपिका पादुकोण पहले अनुपम खेर के एक्टिंग स्कूल में 3 महीने की ट्रेनिंग ले चुकी हैं। 5 सितंबर माने टीचर्स डे वाले दिन दीपिका की ट्रेनिंग के दिनों का एक किस्सा सामने आया। टीचर्स डे के मौके पर एक अखबार ने अनुपम खेर से जब पूछा कि अपने किसी स्टूडेंट का कोई मतलब ऐसे रोचक किस्सा या कोई बात बताइए, तो अनुपम खेर ने बताया कि मुझे दीपिका के बारे में एक बात याद है। मेरे स्कूल ज्वाइन करने से पहले दीपिका एक सफल मॉडल थी। वो सभी चीज़ों में बहुत अच्छी थी, समय की पाबंद, हर चीज़ परफेक्शन से करती थी। मैंने दीपिका से कहा कि तुम यहाँ 3 महीने के लिए आई हो तो तुम ब्रेक नहीं ले सकती हो। मुझे लगा कि वो हर चीज़ परफेक्शन के साथ करना चाहती है, और मेरा पॉइंट सिर्फ इतना था कि एक्टिंग सिर्फ परफेक्शन के बारे में नहीं होती, इसमें कुछ चीज़ें रॉ रफ भी होनी चाहिए। तो एक दिन दीपिका का ये जो परफेक्शनिस्ट रूल था उसे तोड़ने के लिए मैंने उसे एक्टिंग की एक्सरसाइज यानी इम्प्रोवाइजेशन दी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक घर में बाई का काम करती हो और इस किरदार में परफेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किरदार को ये नहीं पता कि नाइफ और फोक यानी चाकू और कांटे का यूज़ कैसे करते हैं। ये एक्सरसाइज करीब 45 मिनट तक चली, जब तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि उन्हें समझ आ गया है। मुझे लगता है वो रोने लग गई थी। ये तो हुई दीपिका की बात, मगर ऐसे और कई एक्टर्स के किस्सों का हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि अनुपम खेर के स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है वो लंबी है। इस लिस्ट में वरुण धवन, कीर्ति गुलहरी, ईशा गुप्ता और कियारा आडवाणी जैसे नाम भी शामिल हैं। और एक राज की बात बताते हैं आपको कि अनुपम खेर जब मुंबई आए थे तो एक्टिंग स्कूल में टीचर बनने आए थे, मगर जब उन्होंने एक्टिंग स्कूलों को करीब से देखा जाना तो उन्हें लगा कि ये सब फेक या फिर कहें कि फ्रॉड है। वो इस बात से निराश तो बहुत हुए, लेकिन फिर एक फैसला कर लिया कि अगर लाइफ में कुछ बन गए तो सबसे पहले अपना एक एक्टिंग स्कूल खोलेंगे, और वही उन्होंने किया। 2005 में एक्टर प्रिपेयर्स नाम का एक एक्टिंग स्कूल खोल दिया। बाकी ये किस्सा आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।